नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। मांझियाव से अनुप सिंह की रिपोर्ट। कुएं में गिरने से 4 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। मांझियाव थाना क्षेत्र अंतर्गत तलसाबरिया पंचायत क्षेत्र के चाका गांव में कुएं में गिरने से छोटन राम के 4 वर्षीय बच्चा जेबी कुमार की मौत हो गई, जिसे कुएं से निकालने के बाद परिजनों के द्वारा स्थानीय रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां पर उपस्थित डॉक्टर मनीष कुमार सिंह के द्वारा जाँच की गई और जाँच उपरांत डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। इधर इस संबंध में परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि घर के ही एक छोटे बच्चे के साथ घर से कुछ दूरी पर कुएं की तरफ चला गया था और कुएं में गिरने की खबर के साथ ही दूसरे बच्चे के द्वारा दी गई। उसके बाद परिजनों ने आनन फानन में कुएं के पास गए और कुएं से बच्चे को निकालने के तुरंत बाद रेफरल अस्पताल पहुंचे। इधर बच्चा कुएं में कैसे गिरा या किसी ने गिराया, जिसको लेकर परिजनों ने संदेहात्मक स्थिति बताई। वहीं मौत की खबर के बाद थाना ASI आलोक कुमार दलबल के साथ अस्पताल पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेते हुए जांच शुरू कर दी गई। वहीं पोस्टमार्टम हेतु बच्चे का शव गढ़वा सदर भेजा जाएगा। इधर बच्चे के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। मांझियाव से अनुप सिंह की रिपोर्ट। पलायन, एक और मजदूर की हुई मौत, घर पहुंचा शव। मांझिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मोरबे के टोला चिरकुठी निवासी अकलू प्रजापति के 26 वर्षीय पुत्र रविंद्र प्रजापति पलायन मजदूर की फरीदाबाद के अस्पताल में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पलायन मजदूर रविंद्र प्रजापति 2 वक्त की रोटी के लिए एवं बाल बच्चों को लालन पालन के लिए कांडी थाना क्षेत्र के सन्नी गांव निवासी मिथिलेश यादव के पुत्र सुनील यादव के साथ 15 मई 2023 को अपने घर से फरीदाबाद पहुंचा और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करने लगा। जबकि मिली जानकारी के अनुसार 16 जुलाई की रात रविंद्र प्रजापति की अचानक तबीयत खराब हुई। उसके बाद साथियों के द्वारा फरीदाबाद के BK हॉस्पिटल में ले जाया गया और इलाज चल रहा था। इसी दौरान अचानक 17 जुलाई को 12 बजे दिन में उसकी मौत हो गई। इसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से मंगलवार को निवास स्थान चिरकुट ही शव लाया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दुख की घड़ी में मोरबे पंचायत मुख्य प्रतिनिधि ललन प्रसाद सिंह मृतक के परिजनों के घर पहुंचकर परिवारों को ढांढस बंधाया और हर तरह से मदद करने का भरोसा दिया। इस दौरान पंचायत सचिव रविंद्रनाथ दुबे भी पहुंचे और सरकारी प्रक्रिया के तहत लाभ दिलाने का भरोसा दिया। वहीं शव पहुंचते ही देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और इस दुख की घड़ी में लोगों ने परिजनों को ढांढस बंधाया। धन्यवाद। गीतांश टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।